हमने एक मनसूबा लेना है, चारों मिलके कोई एक मनसूबा डिस्कस डिसाइड करेंगे, कोई एक जिसमें गली बनानी भी हो सकती है, कोई पुलियाँ को गली के ऊपर पुली बनानी, गली की सफाई, नाली की सफाई, कचरे को कहीं फेंकना, या कोई भी मनसूबा हो सकता है। जैसे उन्होंने डिस्पेंसरी की बात की, कोई स्कूल की बात करता है, कोई आईडी कार्ड बनाने की बात करता है, कोई भी मनसूबा एक ले लें, एक एक मनसूबा आपने लेना है और उस मनसूबे को आपने ये करना है कि आपके पास बजट कहाँ से आएगा, आपने उस मनसूबे का बजट कहाँ से आएगा। अच्छा थोड़ा सा हम उसके ऊपर मजीद पहले डिस्कस कर लेते, तो थोड़ा गौर से सुन लें कि सबसे पहले मनसूबा आपने डिसाइड करना, मनसूबा क्या होगा, मनसूबा लिखेंगे, मनसूबा आप क्या लेते हैं, मैनेजर ठीक है, गली से मेल करना, आप अपना कोई भी मनसूबा लिख सकते हैं, ठीक है, उसके ऊपर लागत कितनी आएगी, यानी 15,000, 10,000, जितना आप अपना एस्टीमेट अपने मुताबिक लगाएंगे, 20,000 लिखते हैं, जो आपका एस्टीमेट आप वो लगाएंगे। अच्छा इसमें जराए क्या होंगे, यानी ये जो पैसे हैं वो कहाँ से आएंगे, पैसे कहाँ से आएंगे वो आपने लिखना है, कि अगर पैसे कैसे पैसे इकट्ठे हो सकते हैं किसी डेवलपमेंट के काम के लिए, आप कहाँ से पैसे, बाहर से बना से और मुखिया सलाह से खुद थोड़े थोड़े कलेक्ट करके, और उसके अलावा चले आपने वो सारे जहाँ से पैसे आएंगे वो सारे आपने पॉइंट नोट कर लिए हैं, हो गया ना सारे 10 लोग कम से कम मिल के एक ग्रुप हो गया, ग्रुप का नाम भी रख सकते हैं आप, ग्रुप में अगर 10 लोग हैं तो 10 लोगों की जिम्मेदारी लगाएगी कि मटीरियल पैसे किसने इकट्ठे करने हैं, मटीरियल किसने लाना है, मिस्त्री मजदूर को किसने हायर करना है, या कौन सी जिम्मेदारी किस बंदे की है, सब लोगों की जिम्मेदारियाँ लगाएंगे। उसके बाद जांच पड़ताल के लिए, या उसको कहते हैं कि जो बंदा सिर्फ उसको देखेगा, मॉनिटर करेगा, तो चेक करने वाला तो बंदा जिम्मेदार होनी चाहिए, तो सियाना बंदा को जो देखे कि काम सही हो रहा है कि नहीं सही हो रहा, मटेरियल जो बात की थी वही लग रहा है कि नहीं लग रहा, ऑडिटर कह सकते हैं जो पर अमल दरामद मनसूबे।